हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राधिका। बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते रिलीज हुई है देओल की यमला पगला दीवाना फिर से और राजकुमार राव की फिल्म मिस्ट्री। जहां एक तरफ देओल की फिल्म एक्शन कॉमेडी फिल्म है तो वहीं दूसरी तरफ मिस्ट्री एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। बता दें कि राजकुमार राव और श्रद्धा के मिस्ट्री ने रिलीज होते ही देओल की फिल्म को धूल चटा दी है। अब आप सोच तो जरूर रहे होंगे कि आखिर वो कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि देओल की फिल्म में सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार ने कैमियो भी किया है। उसके बावजूद भी ये फिल्म फैंस को अपनी तरफ खींचने में कमजोर पड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ स्त्री को देखने के लिए फैंस की भीड़ लग रही है। बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर स्त्री बाजी मारती हुई नजर आ रही है। इस फिल्म के पहले ही दिन थिएटर में 30% ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिला, तो वही यमला पगला दीवाना फिर से को पहले दिन 20% ऑक्यूपेंसी रेट मिली है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि स्त्री ने देओल को रिलीज के पहले दिन ही पीछे छोड़ दिया है। ट्रेड एक्सपर्ट की माने तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि दोनों ही फिल्मों को बराबर का फायदा मिले। फिल्म मिस्ट्री मल्टीप्लेक्स के दर्शकों को खूब लुभाएगी तो यमला पगला दीवाना फिर से सिंगल स्क्रीन पर खूब धमाल मचाएगी। वेल, देखना तो भी दिलचस्प रहेगा कि बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन कौन सी फिल्म बाजी मारती है। वैसे आप स्त्री और यमला पगला दीवाना फिर से में से किसे देखने का प्लान बना रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।